हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज स्पेशली एक्सक्लूसिवली मैं केवल और केवल ये रिकॉर्डिंग भले ही क्लासरूम में कर रही हूँ, बट जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं मेरे, मैं ये रिकॉर्डिंग केवल और केवल उनके लिए कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग टेस्ट दे रहे थे, आप लोगों को पता है जितने भी पेपर्स हमने करवाए हैं, यानी कि एवरी संडे सॉरी सैटरडे और एवरी वेंसडे वीक में आपने दो पेपर जो है वो 50-50 क्वेश्चंस के किए, एंड अप्रिशिएट भी किया आप लोगों ने, मैंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से ऑनेस्टी के साथ इंटरेस्ट लेकर के उस पेपर को कर रहे थे। बट अभी चूंकि एग्जाम की डेट बिल्कुल कंफर्म, एक तरीके से कंफर्म ही है, अभी भी बहुत सारे बच्चे हाँ ना की कश्मकश में हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ ना कश्मकश से आप बाहर निकलिए। जब एक डेट आपको 29 तारीख की मिल गई है, तो अब आप एग्जाम में लगने की कोशिश कीजिए। पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, होगा, इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब अभी की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी आप अपने आप डिसाइड कीजिए, तैयारी आप शुरू कर दीजिए। एग्जाम होता है नहीं होता है डजेंट मैटर, इन सब पॉलिटिक्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले भी जब र्यूमर्स चल रहे थे तब मैंने ही आपको बोला था कि 29 अभी फाइनल नहीं है, इस वजह से र्यूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैंने शुरू से बोला है कि कमीशन से ऊपर कभी भी ना तो आप हैं ना हम हैं। तो कमीशन ने अगर डेट को डिसाइड कर दिया है, तो 29 तारीख को अगर डेट एक निकली है, तो प्रिपरेशन जो है वो 29 तारीख के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये समस्या हुई है कि वो या तो अपियरिंग है या फिर रिजल्ट उनका नहीं आया हुआ है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर पोस्टपोन हो जाए तो फिर हम भी शायद अपियर हो जाए या जो भी है, लेकिन वो अपनी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं उठा नहीं पा रहे हैं, कोई एकजुटता भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो पोस्टपोन करने का, घुमाने का, करने का, ये सब बैठता नहीं है। और चूंकि 2.5 साल हो गए इस वैकेंसी को, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। मुझे पता है, मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो बिल्कुल 7 जुलाई के लिए अपने आप को हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किए हुए थे, और 28 या 29 जून को जो है कैंसिल हुआ था एग्जाम। तो वो सिचुएशन हम भी नहीं भूल सकते हैं। मेरे यहाँ बिल्कुल रनिंग बैच में बच्चे थे, और उन बच्चों का फेस देख करके, उनको देख करके हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो अगर हम उन लोगों को कंसीडर करें जो बच्चे इतने सारे इतने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं, उनके हिसाब से चलें, तो हमारे हिसाब से जो है एग्जाम हो जाना चाहिए। जो बच्चे अभी अपियरिंग में हैं, वो भी अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी किसी भी तरीके का डिसीजन कमीशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। केवल 29 तारीख को एग्जाम होगा ये ही आया है, उसमें किसी को भी ये नहीं कहा गया है कि आप बाहर होंगे आप अंदर होंगे। तो जब तक नहीं आता है तब तक तो आप तैयारी करो, आप डिस्टर्ब क्यों हो। तो आप तैयारी कीजिए, उस तैयारी के लिए अभी जैसे जितने पेपर हमारे हो चुके हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था, चूंकि जो पेपर्स जो है वो मैंने ही जो है वो इकट्ठे किए हैं, कंपाइल पूरा मैंने ही किया है, मेरे द्वारा किया जाता है। तो अब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा पेपर कंपाइल होगा, ये शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पाती हूँ। जो मेरे साथ जो मुझे हेल्प कर सकते थे वो लोग मुझे करना नहीं चाहते हैं। आपको पता है मार्केट है, अपने अपने बिजनेस में हर कोई लगा हुआ है, तो सभी अपनी अपनी चलाने पे जुड़े हुए हैं। मेरी तरह हर कोई ये नहीं सोचता है कि लोग लाभान्वित हों। लोगों को ये लगता है कि पैसा आ रहा है तो ही काम होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो खैर, उन सब चीज़ों पर मेरे को जाना भी नहीं है। जितने पेपर हमने अभी तक करा दिए हैं, शायद 58-59 पेपर्स करा दिए हैं। अब से डेली हम डेली डेली जो स्टार्टिंग के पेपर्स हैं, हम डेली डेली 2 पेपर आपको डेली डालेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि उनके जो अगर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स का कोई ऑप्शन आता है तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स में मैं उसको डाल देती हूँ। तो डेली डेली आप उन 2 पेपर्स को डेली सॉल्व कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी जो आपका कमिंग संडे है, ठीक है, कमिंग संडे 1 दिसंबर है 2019 को 10 AM पर आपका फुल मॉक होगा, ठीक है। ये फुल मॉक किसके लिए होगा? फॉर ग्रेड 3 लाइब्रेरियन, ठीक है। ये आपका जो है फुल मॉक होगा, 10 बजे से स्टार्ट होगा, और 10 बजे सुबह स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग हम 10 बजे रात तक का रखेंगे, यानी कि 12 आवर्स के लिए जो है आपका ये पेपर वैलिड होगा। तो 12 घंटे में आप कभी भी
बिल्कुल थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग एक पेपर मैंने रेडी करवा दिया है, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, लाइब्रेरी बिल्कुल जैसे आपका आता है। दो पेपर ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, उसी में ये तीसरा पेपर आपका ये हो जाएगा। तो संडे को अभी आप लोग कीजिए, जो रेगुलर वाले टेस्ट हमारे हुए थे उनको दो दो करके जो है हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं डेली, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए। ये प्रैक्टिस आपकी डेली बेसिस पे होगी, डेली बेसिस पे कीजिए। पेपर्स जिनको निकालने हैं, जिनको चाहिए, आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन में अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में आपके वो पेपर सारे पड़े हुए हैं, डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, या जैसे करना है आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो कीजिए। बट अब की सिचुएशन में आप 29 तारीख के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप अपना एक शेड्यूल बनाइए प्रॉपरली कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हैं। कैटेगरी इन द सेंस कि यहाँ कास्ट कैटेगरी में नहीं बोल रही हूँ, मैंने दो चीज़ें बताई थी, पहली ये कि आप खुद से कितने मोटिवेटेड हैं उसको करने के लिए, दूसरा ये कोई कहता है तो आप कितने मोटिवेट होते हैं, तो उनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप उन दोनों को डिसाइड कीजिए। और नहीं आपने बनाया है अपनी कोई स्ट्रैटेजी, अगर पढ़ाई की नहीं बनाई है, तो अभी इस वीडियो को जस्ट देखने के बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि एग्ज़ाम कब होगा, क्यों होगा, कैंसिल होगा, फला ये कह रहा है, ढिमका ये कह रहा है, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग नहीं बने हुए हो। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहिए, पढ़ना और रिजल्ट लेना आपका काम है, तो आप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और रिजल्ट लीजिए, ठीक है। सो गुड लक, एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, फुल मॉक के लिए संडे के लिए आप लोग रेडी होइए। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे इन सब स्टेटमेंट से डिसअग्री हो, तो डिसअग्री हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी बातें मैं बोलती हूँ सब फैक्ट बोलती हूँ, और इस सच्चाई को आप लोग झुटला भी नहीं सकते कि सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। तो अगर सच बोलने के बाद आपको कड़वा लगता है तो दैट इज योर प्रॉब्लम। सत्य को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं दैट इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम। मैंने सत्य बोला है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कभी दिग्भ्रमित नहीं करती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हम हमेशा, मैं जब भी आप लोगों के सामने आई हूँ आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेके आई हूँ, आप लोगों के लिए सही डायरेक्शन लेकर के आई हूँ, आपके लिए सही मोटिवेशन लेकर के आई हूँ, और आपके हमेशा हित की ही बातें करती हूँ, और आज भी आपके हित की ही बात करती हूँ। एग्जाम चाहे पोस्टपोन होगा चाहे नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, आप 29th की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। जिस दिन लिखित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ये लिख करके दे देगा कि एग्जाम नहीं होगा, उस दिन आप फिर जो करना होगा कीजिएगा। अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ये कहा है कि एग्जाम लेगा, एग्जाम 29th को होगा, उसने डाला हुआ है, तो आप 29th के लिए प्रिपेयर होइए। किसी की भी कही सुनी बातों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपियरिंग वाले भी जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है या जो एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, बेटा आप लोग भी इधर उधर की बातों में मत जाइए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कुछ ना कुछ मिडिल पाथवे निकालने का काम, उस पर बात चल रही है कि आप लोगों को एग्जाम दिलाने का क्या तरीका खोजा जा सकता है, लेकिन आपको भी दिलाने की कोशिश जारी है। अब उसमें अगर आप अभी से पढ़ाई छोड़ देंगे और 29 को एग्जाम हो गया और आपको कमीशन ने अपने लिए एप्लीकेबल कर लिया एग्जाम के लिए, बिना तैयारी के आप वो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, तो आप भी पढ़ाई करते रहिए। ये सोच कर ही पढ़ लीजिए कम से कम कि आपको अपने डिग्री डिप्लोमा के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। लाइब्रेरी के फील्ड में आए हैं तो ये कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। टेस्ट के लिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू, खूब अच्छे से पढ़िए।